भोजपुरी फिल्मों में नई नई हीरोइनों की एंट्री हो रही है। आपको बता दें कि आजकल शहर अफसा के बारे में कई बातें हो रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेहंदी लगा के रखना 3 में शहर अफसा नजर आएंगी। और आपको बता दें कि इसके पहले इन्होंने साउथ इंडियन मूवी और पंजाबी फिल्में की हैं। शहर अफसा काफ़ी बोल्ड और बिंदास हैं। अभी हाल ही में हमारे स्क्रीन पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं शहर की, उसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव की ये हीरोइन जब पर्दे पर आएगी तो लाखों दिलों पर छा जाएगी। जी हाँ, शहर के बारे में कहा जाता है कि वो जिस जिस फिल्मों में आज तक रही हैं वो फिल्में सुपरहिट ही हुई हैं। वैसे आपको बता दें कि जो जो हीरोइन खेसारी लाल यादव के साथ फिल्मों में आती है वो काफ़ी लकी होती है, क्योंकि खेसारी लाल यादव के साथ जो भी फिल्मों में आता है वो चमक ही जाता है। जैसे कि मणि भट्टाचार्य, आपने मणि भट्टाचार्य को जिला चंपारण में देखा होगा खेसारी लाल यादव के अपोजिट। और आज मणि भट्टाचार्य भोजपुरी इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा हैं। ठीक उसी तरह से शहर अफसा के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने कई साउथ इंडियन मूवीज़ की हैं, कई पंजाबी गानों के एल्बम्स किए हैं और इनके बोल्डनेस का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इनके फ़ोटोशूट हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। यानी कि ये बात कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव की हीरोइन आने वाले वक्त में भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज कर सकती है। ये बोल्ड और बिंदास अंदाज उन्हें आगे चलकर भोजपुरी की एक कामयाब एक्ट्रेस बना सकता है। वैसे आपको बता दें कि मेहंदी लगा के रखना में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के गानों और फिल्म दोनों ने धमाल मचाया था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि शहर अफसा और खेसारी की इस जोड़ी को लोग कितना पसंद करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।